तो चलिए फिर मैं शेयर करती हूँ आपके साथ जन्माष्टमी का पूरा दिन, हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे मनाई जन्माष्टमी। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इन गुब्बारों से। हैप्पी बर्थडे हो घर पर किसी का या जन्माष्टमी हो, सबसे पहले गुब्बारे फुलाए। और फिर ये मेरे कान्हा हैं, तो इनका पहले स्नान हुआ। ये देखिए स्नान भी बहुत अच्छे तरह से हो गया और गुलाब की पंखुड़ियों के बीच हुआ। और फिर इन्हें अच्छी तरह से पोशाक पहनाई गई। कभी कभी ये जिद कर लेते हैं कि नहीं पहननी, पर लेकिन जन्माष्टमी को बिल्कुल भी जिद नहीं करते। और फिर शाम को ये भोग का सामान तैयार हुआ। ये देखिए भोग बहुत अच्छा सामान तैयार हुआ। तो जब रात हो गई तो आपको एक लीला बताती हूँ इनकी। वैसे तो 12 बजे तक नींद नहीं आती, लेकिन कल 11, 11:15 बजे तक अच्छी से नींद पूरी आनी शुरू हो गई। तो यही तो पाप है। तो लेकिन फिर क्या था, कान्हा ने अपने रंग में रंगना था तो हमें रंग लिया। तो इनके लिए भोग तैयार किया था तो वो हमने प्रस्तुत कर दिया। ये उनके लिए केक बनाया था स्पेशल मटकी वाला। और फिर आरती का टाइम, तो आरती हुई। तो देखिए बहुत अच्छी जन्माष्टमी रही। आप सबकी कैसी रही आप ज़रूर बताना। ये हमारे हर बार की जन्माष्टमी है, इस तरह से कुछ ना कुछ हर बार अलग तो होता रहता है, लेकिन बहुत अच्छी रही। तो फिर टाइम आया केक काटने का। तो कान्हा जी का केक तो बहुत अलग ही होता है, बहुत अच्छा लगा ये केक देखकर। स्पेशल भाई लेकर आया था, तो भाई के हाथों से ही कट करवाते होते हैं। ये देखिए तो सब बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे बहुत ऊँची से। तो देखिए ये कट हो गया केक, वो ही करवाते हैं जो करवाते हैं। तो अब उनको भोग लगने के सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो आप ज़रूर देखिए ये केक का भोग लग रहा है। बहुत अच्छे से मनी जन्माष्टमी, आप सबकी कैसे मनी आप ज़रूर बताना मुझे। ताना बहुत खुश हुए। और ये देखिए अब भोग लगेगा। तो ये था कान्हा जी का, बहुत अच्छे से मनाया गया महाउत्सव। ये देखिए छोटे कान्हा जी तो बहुत अंदर तक गए थे, तो उन्हें निकालने के लिए हमने फुल साइड पर किए। तो इनको ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब इनके सोने का टाइम है, आराम करने का टाइम है।
तो इनको बिल्कुल हल्की हल्की ड्रेस पहना दी हमने। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इनके लिए ये बेड जो जाली बंद है, लेकिन हम जाली नहीं बंद करते, बिल्कुल ऐसे ही फूल स्टेज पर सजाए और इनके ऊपर हम आराम करने के लिए आराम से हम सुला देंगे इनको। मेरी कान्हा का जन्म हो गया, रात के बज गए थे 1:15, 12 बजे से शुरू हुए थे। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप जो भी आपके लिए लेनी ज़रूरी समझी तो मैंने ली, क्योंकि इंजॉयमेंट करते करते भूल ही जाते हैं। कान्हा सो जा, तो ऐसा गुनगुना कर उनकी बांसुरी उनके पास रख कर, क्योंकि ज़रूर राधा रानी आती है जब इनकी बांसुरी इनके पास पड़ी हो। तो ये देखिए आराम से सोते हुए कान्हा उनके ऊपर चादर ओढ़ते हुए और दूसरे कान्हा पर भी चादर ओढ़ते हुए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। थैंक यू।